नमस्कार दोस्तों, A13 के बाद में मेरे हाथ में आ गया A23 सैमसंग का। ये भी अभी नया लॉन्च हुआ, ये भी मार्केट में आ ही रहा है। फ़ोन के बारे में बता दूं कि ये फ़ोन ये भी बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत सा है, पीछे का अलग ही लुक है। सैमसंग इनोवेशन करती रहती है और अलग अलग चीज़ें बनाती है, देखने में मेरे को भी पसंद आ रहा है कि फ़ोन थोड़ा अलग है। और फ़ोन के अंदर जो बॉक्स में है वो बड़े अजीब वरीब से हैं। ये 15 वाट का चार्जर है और ये टाइप सी की केबल है और कुछ भी नहीं है अंदर। आपको जो भी चीज़ें हैं वो सब खरीदनी पड़ेगी, कवर तक नहीं है और ईयरफोन भी नहीं है। डब्बा वाले बढ़ा दे दिया, हमारे चीज़ें गायब कर दी। ठीक है, अब फ़ोन के बारे में आपको बता दूँ, लुक कैसा लग रहा है आपको? कलर बहुत अलग अलग आएंगे, सारे अलग अलग कलर और इनके ऐड भी इन्हीं कलरों पर बनने वाले हैं। अब 6.5 इंच का डिस्प्ले इसका TFT फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 90Hz पे वर्क करता है, स्मूथनेस ठीक है। सैमसंग का खुद का बनाया हुआ तो थोड़ा सा बढ़िया बनाता है सैमसंग। तो TFT डिस्प्ले में इस बजट में डाला है। TFT की जो सुपर मोल्ड कर देते तो बढ़िया होता, मगर फिर भी ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कैसा क्या है। कैमरा वगैरह भी ठीक लग रहा है, डिस्प्ले क्वालिटी कैसी भी हो मगर कैमरा बहुत प्यारा लग रहा है। फोटो खींच के चेक करा मैंने। तो अब इसके अंदर आते हैं अपन। 6GB 128GB का एक वेरिएंट मिलेगा, 8GB 128GB का एक वेरिएंट मिलेगा। 19,500 और 21,000 दो तरह के हो गए। मेमोरी कार्ड आपकी मर्जी हो जितना डाल दो। कैमरे अगर पीछे देखेंगे तो 4 कैमरे हैं। तो पीछे का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का IOS के साथ है, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के बाकी के 3 कैमरे हैं। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। 5000mAh की बैटरी दी इन्होंने, 15 वाट से चार्ज होगी। स्नैपड्रैगन का 665 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर डाला है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का। और इसी तरह से है, बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं। फिंगरप्रिंट साइड में दिया है, बाकी यूज़ करने में मज़ा आएगा। सिक्योर फोल्डर इसमें मिल जाएगा, उसमें आपको पहले वाले मॉडल में नहीं मिल रहा था, इस मॉडल मिल जाएगा। 19,500 और 21,000 का मॉडल है। ये 4G फ़ोन ही दिया है, मगर अब ठीक है, अभी 4G की रिक्वायरमेंट है। जब भी 5G आएगा तो मेरी जो सोच है, वैसे लगता है 200-300 रुपये तो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा वो महीने के। तो आदमी कहेंगे हम 4G में संतुष्ट है, 5G पे जाएंगे नहीं। और अभी अब आगे पीछे कंपनियों ने भी डिसीजन ले लिया, जब तक 5G नहीं आता तब तक 5G पे कम फोकस करके थोड़े बहुत 4G भी डालें। तो उसी क्रम में इन्होंने 4G के 2-3 सेट डाले हैं, 5G पे भी ले आएंगे। और ये क्या, सैमसंग जो भी काम करता है पूरे मानक पे करता है। इसकी SAR वैल्यू कम होती है, मतलब आपका जो रेडिएशन लेवल होता है वो हमेशा बहुत निचले लेवल पे होता है सैमसंग का। और सैमसंग में एक एक पॉइंट पे पूरा वर्क होता है, जैसे कि आपको एक्सेल वर्ड इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो ओरिजिनल और पूरी होगी। और सिक्योर फोल्डर भी अच्छा होगा, इसकी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए जो चीज़ें डालता है वो भी बढ़िया होती है। तो मतलब सैमसंग ओवरऑल अपनी इज्जत को कहीं भी ख़राब नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा महंगा पड़ता है, मगर क्वालिटी का मज़ा अलग ही होता है, यूज़ करने पे फील अलग आता है। आइए देखिए इसको भी, 20,000 के आसपास के बजट में अच्छा फ़ोन है। वही फाइनेंस की सारी सुविधाएं हैं, सैमसंग का पर्सनल खुद का फाइनेंस भी है और कार्ड वार्ड की फैसिलिटी तो ही है। उस पर जो ऑफर होंगे वो मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।